चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो हमें आगे जो पढ़ना है वह है जैव विविधता के प्रतिरूप पैटर्न। तो हमें यहाँ पर जैव विविधता के पैटर्न में जो जो बातें याद रखनी है वह इसका पहला पैटर्न है अक्षांशीय प्रवणता एल्टीट्यूड, और एक और आपको याद रखना है लेटीट्यूड प्रवणता, और इसके अलावा जो है वह एक और आपको याद रखना है कि जैव विविधता के प्रतिरूप पैटर्न में ही जाति क्षेत्र संबंध आता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं ध्यान से। तो आपको यहाँ पर यह बात याद रखनी है कि जंतु एवं पादपों की विविधता संपूर्ण विश्व में समान न होकर असमान वितरण दर्शाती है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखनी है। और आगे हमें देखना है, आगे बताया जा रहा है बहुत से जंतु एवं पौधों के समूह में रोचक विविधता मिलती है जिसमें मुख्य रूप से अक्षांशों पर विविधता में क्रमबद्ध उतार चढ़ाव है। और अब हमें आगे बताया जा रहा है कि सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती है केवल कुछ ही अपवादों को छोड़कर। और आपको यहाँ पर यह चीज सिंपल याद रखना है कि सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती है। और आगे आपको यहाँ पर कोई भी चीज याद नहीं रखनी है। और आगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वह यह है कि यहाँ पर यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इक्वाडोर के उष्ण कटिबंध वन क्षेत्र में जैसे कि इक्वाडोर संवहनी पौधों की जातियां यूएसए के मध्य पश्चिम में स्थित शीतोष्ण वनों से 10 गुना अधिक हैं। यह बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि आपको जो याद रखना है यहाँ पर वह है कि दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी पर किसकी जैव विविधता सबसे अधिक है। तो आपका आंसर होगा अमेजन उष्ण कटिबंधी वर्षा वनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। और यहाँ पर यानी कि अमेजन उष्ण कटिबंधी वनों पर आपको याद रखना है कि अमेजन फॉरेस्ट पर 40,000 पादप जातियां, 3,000 मत्स्य यानी 3,000 मछली, 1,300 पक्षी, 427 स्तनधारी, 427 उभयचर और 378 सरीसृप यानी रेप्टाइल, और 1,25,000 से अधिक अकशेरुकी जातियों का आवास है अमेजॉन फॉरेस्ट। और यहाँ पर आगे हमें बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन वर्षा वनों यानी कि अमेजन फॉरेस्ट में अभी भी कम से कम 2 लाख कीटों की खोज पहचान शेष है। यह भी आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमें यह बताया जा रहा है कि आगे बता रहा है उष्ण कटिबंधी क्षेत्र में ऐसा क्या विशेष है, वहां पर ऐसा विशेष क्या है कि उनमें सबसे अधिक जैव विविधता है। तो इसका जवाब दिया बहुत से पारिस्थितिकविदों, जैव विकास विदियों ने बहुत सी परिकल्पना की है जिनमें से कुछ मुख्य हैं जो निम्न है। तो पहला जो कारण बताया गया वह है कि जाति उद्भवन यानी स्पीसिएशन। और यह स्पीसिएशन यानी जाति उद्भवन आमतौर पर समय का कार्य है। और यह बताया जा रहा है इस जाति उद्भवन का कारण बताया जा रहा है कि शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय से बार बार हिमनद ग्लेशिएशन यानी कि वहां का बर्फ पिघलता रहता है जिससे वहां पर तबाही आती रहती है होता है वहां पर शीतोष्ण क्षेत्र में, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र लाखों वर्षों से अपेक्षा की अबाधित रहा है। यही कारण है कि इसी कारण जाति विकास तथा विविधता के लिए बहुत समय मिला जिसके कारण वहां पर जाति विविधता अधिक हुई। और अमेजन फॉरेस्ट में अधिक जाति विविधता का दूसरा कारण यह है कि उष्णकटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न तथा कम मौसमी परिवर्तन दर्शाता है। मतलब वहां पर मौसम में परिवर्तन बहुत कम होता है, मतलब साल भर मौसम समान रहता है। और यह स्थिर पर्यावरण
निकेत विशिष्टीकरण यानी निकिल स्पेशलाइजेशन को प्रोत्साहित करता है, जिसकी वजह से अधिक अधिक जाति विविधता हुई। और तीसरा कारण यह है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है, जिससे उत्पादन अधिक होता है, जिससे परोक्ष रूप से अधिक जैव विविधता होता है। मतलब वहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा होता है, ज्यादा पड़ता है, इसलिए वहां पर उत्पादन भी ज्यादा होता है और वहां पर जंतुओं की संख्या, जीव की संख्या अधिक है। और आगे हमें पढ़ना है वह टॉपिक है जैव विविधता प्रतिरूप पैटर्न के अंतर्गत, वह है जातीय क्षेत्र संबंध। यह भी महत्वपूर्ण है, आपसे यह पूछ सकता है कि जातीय क्षेत्र संबंध किसने दिया और वो वैज्ञानिक कहाँ के थे। तो जातीय क्षेत्र संबंध जर्मनी के महान प्रकृतिविद एवं भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने दिया। कब दिया? ने अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने दक्षिण अमेरिका के जंगलों के गहन अन्वेषण के समय दर्शाया। क्या दर्शाया? यह आपको याद रखना है कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ने के साथ बढ़ता है। आपको याद रखना है कि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के अनुसार कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ने के साथ बढ़ती है। और वास्तव में बताया जा रहा है कि वास्तव में जातीय समृद्धि और वर्गक यानी अनावृत बीजी पादप पक्षी चमगादड़ अलवण जली मछलियों की व्यापक किस्मों के क्षेत्र के बीच संबंध आयताकार अति परवल यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। यानी कि आपको यह बताया जा रहा है कि जातीय समृद्धि और वर्गक कौन, जैसे अनावृत बीजी पादप पक्षी चमगादड़ के किस्मों के क्षेत्र, जाति समृद्धि और वर्गकों के किस्मों के क्षेत्र के बीच संबंध ज्यादातर आयताकार अति परवला रेक्टेंगुलर हाइपरगोला होता है। जैसे कि ये वाला ग्राफ आप देख सकते हैं, यह रेक्टेंगुलर हाइपरगोला ग्राफ है। और यदि इसी ग्राफ को हम लघु गोलक पैमाने पर दिखाए तो यह संबंध एक सीधी रेखा के रूप में है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जो कि लघु गोलक पैमाने पर निम्न संबंध द्वारा बताया जा रहा है। और आपका रेक्टेंगुलर हाइपरगोला में निम्न संबंध द्वारा बताया जाएगा। और यहाँ पर हमें जो समीकरण है वह यह है कि लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। और यहाँ पर इन अक्षरों का अर्थ महत्वपूर्ण है, जो कि आपसे एग्जाम में आ सकता है, वह कि यह कि यहाँ पर एस हमें जाति समृद्धि को दर्शा रहा है, ए हमें क्षेत्र यानी एरिया को दर्शा रहा है, और जेड रेखीय ढलान यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी समाश्रय गुणांक को दर्शा रहा है, और सी बराबर वाई यानी अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट को बता रहा है। यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी आपसे इसका एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे देगा या समीकरण, और उसमें पूछ लेगा एस क्या दर्शा रहा है, सी क्या दर्शा रहा है, जेड क्या दर्शा रहा है, ए क्या दर्शा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमें जो बताया जा रहा है कि यह है कि आगे हमें पढ़ना है, पारिस्थितिक वैज्ञानिकों ने बताया कि जेड का मान, जेड यानी समाश्रय गुणांक का मान 0.1 से 0.2 के परास में होता है, भले ही वर्गीकी समूह अथवा क्षेत्र जैसे ब्रिटेन के पादप हो, कैलिफोर्निया के पक्षी हो, न्यूयॉर्क के मुलस्क हो, कुछ भी हो, जेड का मान 0.1 से 0.2 के परास में ही होता है, चाहे वर्गीकी समूह कुछ भी हो। और यहाँ पर जो हमें बात याद रखनी है वह है कि समग्र रेखा यानी कि रिग्रेशन लाइन की ढलान आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी होती है, मतलब रिग्रेशन लाइन सभी के लिए एक जैसी होती है, लेकिन यदि हम बड़े समूह जैसे
संपूर्ण महाद्वीप के जातीय क्षेत्र संबंध का विश्लेषण करते हैं तब ज्ञात होता है कि समग्र रेखा की ढलान तीव्र रूप से तिरछी है और जेट के मान का परास 0.6 से 0.1.2 है। वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि संपूर्ण महाद्वीप के लिए रिग्रेशन कॉफिशियंट का मतलब जेट का मान किस परास में होता है, तो 0.6 से 0.1.2। तो संपूर्ण महाद्वीप में सभी महाद्वीप आ सकते हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सभी महाद्वीप आ सकते हैं और इन सब के लिए जेट का मान 0.6 से 1.2 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस टॉपिक में और यहाँ पर हमें उदाहरण में बता रहा है कि विभिन्न महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय वनों के फलाहारी पक्षी तथा स्तनधारियों की रेखा ढलान 1.5 है। आपको सीधे ही ये याद रखना है कि विभिन्न महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय वनों के फलाहारी पक्षी तथा स्तनधारियों की रेखा के लिए जेट का मान कितना है, 1.15 है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस संदर्भ में तिरछी खड़ी ढलान का अर्थ, इसका अर्थ है अधिक अधिक जाति समृद्धि, इसका अर्थ है अधिक जाति समृद्धि, यह भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, अब जो कि है जाति विविधता का पारितंत्र में महत्व। क्या बोला, जाति विविधता का पारितंत्र में महत्व, इसको जाति विविधता का पारितंत्र में महत्व को दो वैज्ञानिकों ने बताया, एक तो थे डेविड टिलमैन और एक हैं आपके पॉल एहरलिक, जिन्होंने रिवेट पोपर परिकल्पना दिया। यानी कि आप ये याद रख सकते हैं कि जाति विविधता में पारितंत्र के महत्व को दो लोगों ने दिया, एक दिया टिलमैन और दूसरा थे पॉल एहरलिक। पॉल एहरलिक, इन दो वैज्ञानिकों ने इसके महत्व को बताया और हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है कि अब बताया जा रहा है कि क्या समुदाय में जातियों की संख्या पारितंत्र के कार्यों को वास्तव में प्रभावित करती है। यह ऐसा प्रश्न है जिसका पारिस्थितिकविद उचित उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। बहुत से दशकों तक पारिस्थितिकविदों का यह विश्वास था कि जिस समुदाय में अधिक जातियां होती हैं वह पारितंत्र कम जाति वाले समुदायों से अधिक स्थिर रहता है। अब बताया जा रहा है कि अब हमें एक स्थिर समुदाय का गुण बताया जा रहा है, जो कि आपको याद रखना है कि स्थिर समुदाय का गुण, तो यहाँ पर एक स्थिर समुदाय की उत्पादकता में साल दर साल अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, स्थिर समुदाय की उत्पादकता में साल दर साल अधिक अंतर नहीं होना चाहिए और एक स्थिर समुदाय समय समय पर आने वाली प्राकृतिक या मानव निर्मित बाधाओं को रोकने वाला होना चाहिए। इसके अलावा एक स्थिर समुदाय विदेशी एलियन जातियों के आक्रमण को रोकने वाला भी होना चाहिए। आपको याद रखना है तीन बातें स्थिर समुदाय का गुण या उसकी विशेषता, तो इसकी तीन विशेषता है, उत्पादकता में साल दर साल अधिक अंतर नहीं होना चाहिए और यह समय समय पर आने वाली प्राकृतिक और मानव निर्मित बाधाओं को रोकने वाला होना चाहिए और विदेशी जातियों के आक्रमण को रोकने वाला भी होना चाहिए। और आगे बताया जा रहा है कि हम नहीं जानते कि ये गुण जाति समृद्धि से किस प्रकार संबंधित हैं, लेकिन डेविल टिलमैन द्वारा प्रयोगशाला के बाहर के भूखंडों में लंबे समय तक पारितंत्र के प्रयोग से इस बारे में कुछ प्रारंभिक उत्तर देते हैं। टिलमैन ने पाया कि उन भूखंडों में जिन पर अधिक जातीय थी साल दर साल कुल जैवभार में कम विभिन्नता दर्शाई। उन्होंने अपने प्रयोग में यह भी दर्शाया कि विविधता में वृद्धि से उत्पादकता भी बढ़ती है। तो आपको याद रखना है कि डेविल टिलमैन ने किसके लिए प्रयोग किया, डेविल टिलमैन ने पारितंत्र समुदाय जाति विविधता का पारितंत्र में महत्व के लिए अपना प्रयोग किया और बताया जाति विविधता का समुदाय में स्थायित्व, समुदाय का स्थायित्व बताया। और चलिए बढ़ते हैं आगे,
हमें यह बोला जा रहा है कि हम यह पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं कि कैसे जाति समृद्धि पारितंत्र अच्छा बनाए रखने में सहयोग प्रदान करती है। हम यह समझते तथा महसूस करते हैं कि समृद्धि जैव विविधता केवल अच्छे पारितंत्र के लिए आवश्यक है, बल्कि इस ग्रह पर मानव जीवन को जीवित रखने के लिए, यानी कि जैव विविधता केवल पारितंत्र के लिए ही आवश्यक नहीं है, यह हमारे लिए भी आवश्यक है, हमारे हम मानवों को जीवित रखने के लिए भी आवश्यक है। अब बताया जा रहा है कि इस समय जब हम जातियों को भयावह गति से खो रहे हैं, तब प्रश्न उठता है कि यदि कुछ जातियां विलुप्त हो जाए तो वास्तव में इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि पश्चिमी घाट पारितंत्र के वृक्षों में पाए जाने वाले मेंढक की जाति हमेशा के लिए विलुप्त हो जाए, मतलब आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि पश्चिमी घाट के पारितंत्र में वृक्षों पर मेंढक पाए जाते हैं। और आगे यहाँ पर अब हमें सीधे याद रखना है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या हो वहाँ, मतलब यदि पश्चिमी घाट के पारितंत्रों से वृक्षों पर पाए जाने वाले मेंढक की जातियाँ विलुप्त हो जाए तब क्या वहाँ के पारितंत्र कम क्रियाशील होंगे। यदि 20,000 चींटियों के स्थान पर केवल 15,000 जातियाँ हो तब हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। यानी कि यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर जातियाँ विलुप्त हो जाए तो जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, तो इसी को मतलब अगर जातियाँ अगर विलुप्त होती हैं तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, इसी को बताया जा रहा है स्टैटफोर्ड के पारिस्थितिक विद पॉल एहरलिक द्वारा उपयोग की गई रिवेट पोपर परिकल्पना, यानी कि रिवेट पोपर परिकल्पना द्वारा हमें यह बताया जा रहा है कि यदि जातियों की जीव जातियों की संख्या कम हो गई तो हमारे जीवन पर यानी इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको याद रखना है रिवर्ट पोपर परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया, तो यह दिया गया स्टैटफोर्ड के पारिस्थितिक विद पॉल एहरलिक द्वारा दिया गया। और इस अब हम रिवर्ट पोपर परिकल्पना के बारे में आगे पढ़ते हैं, और यहाँ पर उन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया कि एक वायुयान यानी पारितंत्र, तो वायुयान की तुलना पारितंत्र से की गई है कि हजारों रिवेट की तुलना जाति से की गई है, वायुयान की तुलना पारितंत्र से, रिवेट की तुलना जाति से की गई है। बताया जा रहा है कि एक वायुयान पारितंत्र के द्वारा हजारों रिटो द्वारा सभी भागों को जोड़ा जाता है, यानी कि बहुत सारी जाति मिलकर इकोसिस्टम का निर्माण करती हैं। और आगे और उसी प्रकार बहुत सारे रिवेट मिलकर एक वायुयान का निर्माण करते हैं। अब बताया जा रहा है कि यदि वायुयान का हर यात्री अपने साथ एक रिवेट किलक को ले जाने लगे तो जाति का विलुप्त कारण, यानी कि रिवेट यानी कि जाति, यानी मतलब धीरे धीरे यदि जाति विलुप्त होने लग जाए तब बता रहे हैं कि आरंभ में जहाज की सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी। मतलब शुरू में अगर एक एक अगर बहुत सारा जाति है, अगर एक दो जाति ही समाप्त होते हैं तो जाति समृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यह भी देखना महत्वपूर्ण होता है कि यदि और अधिक रिवेट हटा लिया जाए, मतलब वायुयान से और अधिक रिवेट हटा लिया जाए और समुदाय से बहुत ज्यादा संख्या में जब प्रजातियों की संख्या विलुप्त हो जाए तब कुछ समय बाद जहाज खतरनाक रूप से कमजोर हो जाएगा और उसी तरह से इकोसिस्टम भी कमजोर हो जाएगा। और बता रहा है कि साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा रिवर्ट हटाया गया, यानी कि कौन सी प्रजाति हटाई गई है। और यहाँ पर हमें पहले जहाज के बारे में बताया जा रहा है कि जहाज के पंख का रिवेट हटाना हवाई की सुरक्षा दृष्टि से जहाज के अंदर सीट व खिड़कियों के रिवेट हटाने से अधिक महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई जहाज तो पंख से ही उड़ेगा, यदि पंख ही नहीं रहेगा तो जहाज क्रैश हो जाएगा, जहाज में जितने यात्री बैठे हैं सब मर जाएंगे, यानी जहाज कोई काम का नहीं रहेगा। इसी प्रकार तो जहाज के पंख के रिवेट को पारितंत्र की मुख्य जातियों से तुलना की गई है, मुख्य जाति यानी कीस्टोन स्पीसीज यानी कुलासिंज जाति से इसकी तुलना की गई है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा
आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं इस पर एनसीईआरटी लाइन पेन क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपका एनसीईआरटी लाइन एक एक पॉइंट क्लियर भी हो जाएगा और प्लस याद भी हो जाएगा। तो बने रहे मेरे साथ और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारा टॉपिक है जैव विविधता की क्षति, और यहाँ पर हमें जो याद रखना है कि यहाँ पर हमें सीधे याद रखना है कि हमारे ग्रह पर जैव संपदा भंडार में तेजी से हानि हो रही है और इसके लिए मानव क्रियाकलाप ही मुख्य कारण है। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है कि मानव द्वारा प्रशांत उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर आवासीय बस्तियां स्थापित करने से वहां के मूल पक्षियों के 2000 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रशांत उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर आवासीय बस्तियां मतलब यहाँ पर ये आप सीधे याद रख सकते हैं पूरे पॉइंट को। मानव द्वारा प्रशांत उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर आवासीय बस्तियां स्थापित करने से वहां के मूल पक्षियों के 2000 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। ये आपको याद रखना है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। और आगे हमें जो याद रखना है वह यह है कि IUCN की लाल सूची 2004 के साक्ष्यों के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां जिसमें 338 कशेरुकी, 359 अकशेरुकी और 87 पादप लुप्त हो गए। यह पॉइंट आपको याद रखना है। और आपको एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बात याद रखना है वह यह है कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नई विलुप्त जाति में कौन कौन से हैं। मॉरिशस की डोडो, अफ्रीका की क्वैगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसिन, रूस की स्टेलर समुद्री गाय एवं बाली जावा तथा कैस्पियन के बाघ की 3 उपजातियां शामिल हैं। ये सभी नई विलुप्त जातियां हैं, आपको इसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हैं कि पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त हो गई, इसको भी आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, आंकड़ों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण दर्शाता है कि जातियां यानी टैक्सा के विलोपन यादृच्छिक यानी रैंडम नहीं है और उभयचर जाति अधिक विलुप्त हुआ है। कौन उभयचर जाति अधिक विलुप्त हुआ है यह बात आपको याद रखनी है। और इस बताया जा रहा है आगे इस भयानक कथा के संदर्भ में एक तथ्य यह भी है कि विश्व की 15,500 से अधिक जातियां विलुप्ति के कगार पर है। और आपको यह भी याद होना चाहिए कि अभी विश्व में 15,500 से अधिक जातियां विलुप्ति के कगार पर है। और यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, 12% पक्षी, 23% स्तनधारी, 32% उभयचर और 31% आवृत बीजी की जातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। ये प्रतिशत आपको याद रखना है, यह भी आपके नीट के लिए महत्वपूर्ण है। आगे हमें जो याद रखना है कि यहाँ पर जो जैव विविधता है वह पहले भी थी, लगभग 3 करोड़ यानी 3 बिलियन वर्ष पहले जब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति तथा विविध रूपेण डाइवर्सिटीफिकेशन हुआ है तब से जैव विविधता है। अब यहाँ पर जो आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बात यह याद रखना है जो आपके एग्जाम में आएगा वह यह है कि पृथ्वी पर 5 बार जातियों के व्यापक विलोपन की घटना देख चुके हैं, यानी कि अभी तक पृथ्वी पर जातियों के 5 बार विलोपन की घटना हो चुका है। अब छठा विलोपन प्रगति पर है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कितने बार विलोपन हो चुका है, 5 बार, कितना भी विलोपन प्रगति पर है, तो वह है छठवा। अब यह बताया जा रहा है कि वह पहली 5 घटनाओं से मतलब अभी जो विलोपन जो छठवा है वह किस प्रकार भिन्न होगा। तो अंतर केवल आज की दर में है, मतलब बहुत ही ज्यादा तीव्र गति यानी 100 से 1000 गुना अधिक तीव्र गति से जाति क्षति हो रही है। और इस तीव्र दर के लिए हमारे क्रियाकलाप उत्तरदायी हैं। और बता रहा है कि यह बात आपको याद रखनी है, यह भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि पारिस्थितिक विदों की चेतावनी है कि यदि यही दर जारी रही तो अगले 100 वर्षों में पृथ्वी की आधी जातियां विलुप्त हो जाएगी। कितनी जातियां? पृथ्वी की आधी जातियां
विलुप्त हो जाएंगी। अब हमें इससे जैव विविधता से होने वाले हानि के बारे में बताया गया है। तो जैव विविधता की हानि से क्या क्या होता है? तो जैव विविधता की हानि से पादप उत्पादकता घटती है। भाई अगर पादपों की संख्या कम हो जाएगी तो पादप उत्पादकता घटेगी ही। और इसके अलावा जो हानि होती है जैव विविधता से, वह यह है कि पर्यावरणीय समस्याएं जैसे सूखा आदि के प्रति प्रतिरोध में कमी आती है, सूखा के प्रति प्रतिरोध में कमी आती है। कुछ पारितंत्र प्रक्रियाओं जैसे, ये सब पारितंत्र प्रक्रिया है जैसे कि पादप उत्पादकता, जल उपयोग, पीड़क और रोग चक्रों की परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखनी है जो कि जैव विविधता की हानि से होता है। और चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है जैव विविधता के क्षति के कारण। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जातीय विलोपन की बढ़ती हुई दर जिसका विश्व सामना, मतलब जातियों के विलोपन का दर जिसका विश्व सामना कर रहा है, वह मुख्य रूप से मानव क्रियाकलापों के कारण है। मतलब जातियों के विलोपन का मुख्य कारण मानव क्रियाकलाप है, ये आपको याद रखना है। और इसके चार मुख्य कारण हैं और इसे निम्न उपशीर्षकों में वर्णन किया गया है। और इन चारों को मिलाकर बोला जाता है विल क्वाड्रेट। इसे आप याद रख सकते हैं कि इन चारों कारणों को, उपशीर्षकों को एक नाम दिया गया है विल क्वाड्रेट। तो चलिए बढ़ते हैं इस पे आगे जैव विविधता के कारणों, जैव विविधता हानि के कारणों पे। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है आवासीय क्षति एवं विखंडन। और इसके बारे में आपको याद रखना है कि यह जंतु और पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यह कि जंतु और पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है आवासीय क्षति तथा विखंडन। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होने वाली आवासीय क्षति सबसे अच्छा उदाहरण है। अब बताया जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, एक समय वर्षा वन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले थे, लेकिन अब 6% से अधिक में नहीं है। यानी कि अमेजोन एक समय पृथ्वी के 20% में थे, लेकिन अब 6% से अधिक क्षेत्र में नहीं है। और इसके अलावा जो हमें इस टॉपिक पर जो याद रखना है कि वह यह है कि विशाल अमेजोन वर्षा वन, जिसे विशाल होने के कारण पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? तो अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। और इसमें अमेजन वर्षा वन में करोड़ों जातियां निवास करती हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है दो महत्वपूर्ण बात, यह है कि अमेजन वर्षा वन को सोयाबीन की खेती तथा जानवरों के लिए चारा गाहों के लिए काट कर साफ कर दिया गया है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अमेजन वर्षा वन को काट कर कुछ मात्रा को साफ क्यों किया गया? तो उसमें आपको बताना होगा सोयाबीन की खेती तथा जानवरों के चारा गाह के लिए वर्षा वन को काट कर साफ कर दिया गया। और यहाँ पर एक और पॉइंट बताया जा रहा है कि संपूर्ण आवासीय क्षति के अलावा, मतलब आवासीय क्षति के अलावा प्रदूषण के कारण भी आवास में फ्रेगमेंटेशन हुआ है, जिससे बहुत सी जातियों के जीवन को खतरा उत्पन्न हुआ है। मतलब प्रदूषण के कारण भी बहुत सी जातियों को नुकसान हुआ है। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जब मानव क्रियाकलापों द्वारा बड़े आवासों को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर दिया जाता है, तब जिन स्तनधारियों और पक्षियों को अधिक आवास चाहिए तथा प्रवासी यानी माइग्रेटरी स्वभाव वाले कुछ प्राणी बुरी तरह प्रभावित होते हैं, जिससे पॉपुलेशन में कमी होती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम बड़े बड़े आवासों को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर दे तो कौन कौन प्रभावित होगा? तो कौन प्रभावित होगा? स्तनधारियों और पक्षी जिनको ज्यादा आवास चाहिए, और प्रवासी स्वभाव वाले कुछ प्राणी बुरी तरह प्रभावित होंगे। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम तो हमें यहाँ पर जो
आगे हमें जो जानना है वह यह है कि